पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर से हुई बर्बरता मामले में महाराजगंज से भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। कोलकाता मेडिकल कॉलेज में महिला से रेप और हत्या के विरोध में भाजपा की महिला नैनियों ने प्रदेश भर में प्रदर्शन कर घटना पर नाराजगी जताई है। इसी तारतम्य में आज महाराजगंज में भाजपा के प्रदेश महिला कार्यकारिणी के सदस्य सुप्रिया कुमारी के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया है, जहां पर विरोध प्रदर्शन किया है। महिला मोर्चा न्याय की मांग करते हुए पीड़ित के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए दोषियों को सख्त सजा दिलाने की आवाज उठाई है। साथ ही कोलकाता की महिला चिकित्सक से दुष्कर्म व हत्या मामले के विरोध में महाराजगंज में महिला भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुप्रिया कुमारी के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया है, जहां पर सभा में 7-2 मिनट का मौन व्रत रखकर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई है। ये कैंडल मार्च शहीद स्मारक से राजेंद्र चौक तक निकाला है। वहीं मार्च में शामिल सभी लोगों ने महिला चिकित्सक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की गई है। आत्मा की शांति के लिए सभी ने मौन धारण कर प्रार्थना की है। साथ ही गांव की कई आरोपियों के खिलाफ मांग की गई है और अविलंब सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। सुप्रिया ने कहा कि महिला चिकित्सक से दुष्कर्म व हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले आरोपियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। साथ ही ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी सरकार को सख्त कानून बनाने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल में लड़के से अमानुष अत्याचार पर बेरेवी से हत्या कर दी गई है। एक घर की मासूम बच्चे के साथ रेप किया गया है। पुलिस जांच नहीं कर रही थी, वहां के नागरिकों को सड़क पर उतरना पड़ा और साथ में देश भर में विरोध हो रहा है, तब कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सीबीआई जांच। बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ अनैतिक कार्य करके उनके मौत के घाट उतार दिया गया है। वहीं पर देखा जाए तो बंगाल में महिला मुख्यमंत्री और महिला पर ही सबसे ज़्यादा पहचान हो रहा है। अब इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या हो सकती है और इससे बड़ा विभत्स क्या हो सकता है। एक और निर्भया कांड हम लोग देख रहे हैं, एक निर्भया के लिए हम लड़ रहे हैं और दूसरा निर्भया कांड हम फिर देख चुके हैं। इससे बड़ी शर्मसार वाली स्थिति हो ही नहीं सकती है कि जहाँ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कानून मंत्री, सारा मंत्रालय एक व्यक्ति के पास में है और आज खुद वहाँ के राज्यपाल को आकर के कहना पड़ रहा है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। इससे बड़ी, समझिए कि इससे बड़ी दुर्व्यवस्था और इससे बड़ा दुराचरण कुछ नहीं हो सकता है। एक हम निर्भया कांड फिर से देख रहे हैं। हमने शब्द हैं उस बहन के लिए, सोचिए कि हमारे एक हाथ कट जाने पर हम कितना दर्द महसूस करते हैं। उस बहन के साथ में इतना बड़ा दरिंदगी का कार्य किया गया और ये पहली बार नहीं है। उस हॉस्पिटल में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और इसके लिए बार बार आवाज़ उठी, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए ममता सरकार से हम यही मांग करेंगे, केवल ममता सरकार से नहीं, हम मोदी जी से भी हम मांग करेंगे कि हमारे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ऐसा होना चाहिए जो अरब कंट्री में है। हम उसके लिए ऐसी दर्दनाक मौत की मांग करते हैं जिससे आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि ऐसा कुकृत्य कभी नहीं होना चाहिए। हम सभी एक मंच से एकजुट होकर के ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़े से कड़े दंड की मांग करते हैं, जिससे व्यक्ति देख करके, जैसे उस बहन को देख करके रूह कांप जाती है, वैसे उस व्यक्ति के लिए कड़े दंड की मांग करते हैं, जिससे लोगों को, वैसे दुराचारियों का देख करके मन जो है वो डर से कांप जाए। देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में महिला मुख्यमंत्री और सबसे ज़्यादा महिलाओं पर अत्याचार हो रही है। वहीं एक डॉक्टर के ऊपर अनैतिक अत्याचार करके उनको मौत के घाट उतार दिया गया है और अब बंगाल की बेटी भी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो भी उस औरत के साथ हुए हैं, बहुत ही अन्याय हुए हैं, उसके साथ हुए समझिए हर एक औरत के साथ भी वैसे हो सकता है। लेकिन हमारा भी बिहार में शादी हुआ है, हम भी कलकत्ता के लड़की हैं, इसके लिए हम लोग को आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। सरकार से क्या मांग कर रही है? बस जो भी अन्याय उनके साथ किए हैं, दोषी जो किए हैं, उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आज डॉक्टर ममता देवनाथ ने के समर्थन में आज कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। देखिए, इस समाज में जहाँ हम महिलाओं के रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, महिलाओं के भागीदारी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे समान भागीदारी रहती है महिलाओं की किसी भी कार्य में और किसी देश की प्रगति में, देश के विकास में, जहाँ एक तरफ राष्ट्रपति के पद पर, देश की सर्वोच्च पद जिसे कहते हैं, उस पर हमारी प्रथम महिला, जिसे कहते हैं प्रथम पुरुष या महिला जो बैठती हैं, वो आज हमारी महिला बैठी हैं, एक आदिवासी महिला वहाँ पे बैठी हैं आज हमारे राष्ट्रपति के रूप में। वैसे देश में और जहाँ की वेस्ट बंगाल, जहाँ की मुख्यमंत्री हमारी महिला है, वैसे राज्य में अगर महिलाओं के साथ ऐसी दर्दनाक और शर्मिंदगी भरी घटना अगर महिलाओं के साथ हो रही है और
घटना ही नहीं बल्कि उसके साथ इतना दुर्व्यवहार करते हुए, उसके साथ बलात्कार करते हुए, उसका मर्डर कर देना, अंततः उसकी जान को भी ले लेना, उसकी अंतिम सांस तक उसको तड़पाना, ये बहुत ही दर्दनाक है, असहनीय है। और इस समाज में हम आज मांग करते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा और जो हम महिलाओं की स्थिति आज बनी हुई है ये इसमें सुधार लाई जाए, सरकार सख्त के सख्त नियम बनाए। और जिस वेस्ट बंगाल में मैं आश्चर्य हूँ आज, वाकई इसलिए मैं आज, आप ये भी पूछ सकते हैं मेरे से कि आज ही कि मैं क्यों निकाल रही हूँ, इसका कारण है कि आज वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मार्च निकाला है और उन्होंने वहाँ पे जस्टिस की मांग की है। हम कैसे देश में रह रहे हैं, उस राज्य में उस महिला के साथ सामना हरकत हुई है जहाँ की महिला मुख्यमंत्री है और खुद मुख्यमंत्री हैं, खुद गृह मंत्री हैं, खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं, खुद कानून मंत्री हैं, वैसे जगह पे भी अगर आप मांग करती हैं जस्टिस की, फिर हम महिलाएं कहाँ सुरक्षित रहेंगी। वो लड़की MBBS के चौथे वर्ष में थी, पूरे जीवन का कड़ा मेहनत करके इतना संघर्ष करते हुए अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी थी, डॉक्टर बनी गई थी समझिए तो, क्योंकि वो डॉक्टर मोमिता ही देवनाथ हैं, उनके साथ ये हत्या बिल्कुल असहनीय है। और मैं आपको बता दूँ कि 10 जुलाई विगत 10 जुलाई को लगातार पश्चिम बंगाल में इस शर्मनाक हरकत और असहनीय हरकत के कारण जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है उसके लिए मैं ज्ञापन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी को दे चुकी थी, क्योंकि मुझे वहां डर है महिलाओं को लेकर के, वहां भी है, यहां भी है, हर जगह है, बट जहां महिला राज है, जहां महिला ही राज्य कर रही है, महिला ही हर पद पे सुशोभित है, वैसे जगह पे ये शर्मनाक घटना बिल्कुल भी हर एक महिला को हिला कर रख दिया है, मतलब झुला कर रख दिया है, वो अपने आप को कहीं सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है, शब्द नहीं है, मैं बयान नहीं कर सकती। बस हम ऐसे अगर सिचुएशन अगर हमारे देश में आने वाले हैं और राज्य में अगर जहां सरकार महिलाओं की चल रही है, अगर वैसे राज्य में भी अगर ये सिचुएशन आ सकता है तो मौत ज़्यादा कबूल करने के लिए हम तैयार हैं। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रही हैं, वहीं पर उनके सारे मुख्य विभाग, गृह विभाग भी है और महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। वहीं देखा जाए तो 10 जुलाई को गीता डॉक्टर के साथ दर्दनाक घटना घटी है और उसके बाद भी महिला मुख्यमंत्री कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रही है और आज आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं विरोध प्रदर्शन में। देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, जहाँ के वहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, जब उनसे नहीं बंगाल संभाल रहा है तो उनको रिजाइन दे देना चाहिए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। हम मानिए अपने प्रधानमंत्री से यही कहेंगे तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और वहाँ के जो भी व्यवस्था है उस पर सुधार करने की कृपया किया जाए। बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ अत्याचार हुआ है, दर्दनाक मौत दी गई, तो क्या कुछ? Not all men are same, but always men in here. मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारे सरकार से कि हमें महिलाओं को सुरक्षा चाहिए और जो भी इस कांड से जुड़े हुए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं देखा जाए तो महिला मुख्यमंत्री है बंगाल में और महिलाएं पे अत्याचार, इस पर क्या कुछ कहेंगे? उनको महिला मुख्यमंत्री हैं तो फिर उनको तो किसी से सहायता मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद नए नारी होकर के भी दूसरी नारियों का उनको सुरक्षा और अच्छे से अच्छे करना चाहिए था, लेकिन अफसोस है कि वो इसमें नाकाम रही और उनके ही महिला के राज्य में ही हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ, तो मैं बहुत शर्म आनी चाहिए हमारे देश को कि आज हम 78वें स्वतंत्रता दिवस पे आ गए हैं लेकिन आज तक अभी हम महिलाओं को आज़ादी नहीं मिल पाई है।